आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति एवं बिहार। 1857 की क्रांति एवं बिहार। 1857 की क्रांति एवं बिहार। बिहार, इसी बात को हमको देखना है। रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार, इसको हम लोग को देखना है। ये क्या है, इस बात को अब आप ध्यान से देखिए। इस बात को अब देखिए, हम लोग ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो वास्तव में जो 1857 की क्रांति का कारण है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का वह कारण वही है, कारण वही है जो कि केंद्र में है, जो कि केंद्र में है, केंद्र में है। अर्थात जो कारण 1857 के क्रांति के मूल में है, वही कारण बिहार में भी वही कारण था। 1857 की क्रांति का वही कारण था। तो क्या कारण था, हमने पहले भी आपसे कहा है और एक बार रिकॉल कराने के लिए फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका कारण क्या है भाई, यही कारण क्या है, वही है। इसमें है राजनीतिक कारण, ये है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। तो ये सब कारण वही है। तो जो ये हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कारण में, तो मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि भाई जो रियासत है, ये रियासत, रियासत का, रियासतों का, देशी रियासतों का, देशी रियासतों का ये विलय करना, देशी रियासतों का ये क्या करना, ये विलय करना, इसी में डलहौजी की नीति, डलहौजी, ये डलहौजी की ये क्या है भाई, ये नीति है, सहायक संधि है, सहायक संधि है। तो ये सब राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनकी चर्चा हमने ऑलरेडी आपसे कर दिया है, विगत कक्षा में, इन प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी बातें आपसे कह दिया है, इसीलिए दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आर्थिक कारण में भाई, आर्थिक कारण में यही है, आर्थिक कारण में है, यही नंबर वन में हम लोग देखते हैं। तो आर्थिक कारण में क्या है भाई, तो आर्थिक कारण में यही है कि सरकारी सेवा में, सरकारी सेवा में, सेवा में भारतीयों को, भारतीयों को निम्न स्तर प्रदान करना, निम्न पद, ये क्या करना, ये निम्न पद प्रदान करना, सिपाही, सिपाही और किरानी से, और किरानी, किरानी से ऊंचा पद प्रदान नहीं करना, ऊंचा पद, ऊंचा पद प्रदान नहीं करना, प्रदान नहीं करना, ये नहीं, ये नहीं करना, ऊंचा पद प्रदान नहीं करना, ऊंचा पद प्रदान नहीं करना। धन निष्कासन का सिद्धांत लागू कर दिया, धन निष्कासन, धन निष्कासन, धन निष्कासन की प्रक्रिया को, प्रक्रिया, प्रक्रिया को संस्थागत बना देना, संस्थागत
रूप प्रदान करना, रूप प्रदान, रूप प्रदान करना, संस्थागत ये रूप प्रदान करना, संस्थागत रूप प्रदान करना, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक भू राजस्व नीति लागू करना, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक भू राजस्व नीति, भू राजस्व, भू राजस्व नीति ये क्या करना, ये लागू करना, भू राजस्व नीति ये लागू करना। यानी ये सारी क्रियाएं क्या था, ये आर्थिक कारण के अंतर्गत है। इसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, ये है सामाजिक कारण, ये है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, ये सामाजिक कारण में हम लोग क्या देख सकते हैं, जातीय नस्लवाद का भेदभाव करना, नस्लवाद का भेदभाव करना, ये भेदभाव, नस्लभाव का भेदभाव करना, भेदभाव करना। इसमें क्या बतलाया भाई, सामाजिक रूप से भारतीयों को प्रताड़ित करना, सामाजिक रूप से भारतीयों को क्या करना, ये प्रताड़ित करना। तो ये सब इसका कारण है। धार्मिक नीति में क्या है भाई, धर्मांतरण करना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, ईसाई धर्म को श्रेष्ठ साबित करना, जबरन धर्मांतरण कराना, जबरन धर्मांतरण कराना, ईसाई धर्म को प्राथमिकता देना, हिंदू धर्म को हीन बताना आदि। तो इस प्रकार से ये सब कारण सेम था, बिहार में भी ये सारे कारण थे। और जो तात्कालिक कारण है, चर्बी लगी कारतूस, ये चर्बी युक्त कारतूस। तो ये सारी बातें स्पष्ट रूप से क्या है, यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों का कारण सेम था। अब हमको ये देखना है कि वास्तव में बिहार में 1857 की क्रांति कैसे हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, किस आधार पर लड़ा गया, इसमें वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या देखते हैं, इस बात को अब ध्यान से आप देखिए। तो कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से किया गया। तो कहता है देवघर। आज वर्तमान में अब ये झारखंड में है, देवघर के रोहिणी गांव से प्रारंभ किया गया। रोहिणी ग्राम से ये क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ये रोहिणी गांव से ये क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ। यानी बिहार में 1857 की क्रांति का प्रारंभ देवघर के रोहिणी ग्राम से ये क्या हुआ, शुरू हुआ। यानी प्रारंभ रोहिणी गांव से ये क्या हुआ, ये शुरू हुआ।
ये शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ पर कितना में हुआ भाई, तो ये यहाँ पर क्या घटना घटी, तो यहाँ पर जो घटना घटी तो इसमें, इससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो घटना घटी वह 12 जून को घटी। यही 12, ये 12 जून 1857 को ये घटना घटी। और इस घटना का मूल वजह चर्बी लगी कारतूस का ही विरोध था। ये चर्बी लगी कारतूस का ये क्या था, ये विरोध करना था। इस दौरान क्या किया गया कि 12 जून 1857 को क्या कर दिया गया, ये 12 जून 1857 को क्या कर दिया गया, तो 12 जून 1857 को जो किया गया इसमें कौन सा बात किया गया भाई, तो इसमें ये बात कर दिया गया। तो बात क्या कर दिया गया, इसमें बात यही कर दिया गया कि 32वीं रेजिमेंट के 3 सिपाहियों ने, 32वीं रेजिमेंट के तीन सिपाहियों ने मिलकर 32वीं रेजिमेंट के 3 सिपाहियों ने मिलकर अपने मेजर नॉर्मन लेस्ली को गोली से उड़ा दिया। 32वीं रेजिमेंट के 3 सिपाहियों ने मिलकर अपने मेजर नॉर्मन लेस्ली को गोली से क्या कर दिया, ये उड़ा दिया। तो जब ये गोली से ये उड़ा दिया तो गोली से उड़ाने पर क्या हुआ, ये को तीनों को पकड़ा गया और पकड़ करके इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। ये फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद क्या हुआ, तब ये जो विरोध हुआ, इसके बाद क्या हुआ भाई, ये विरोध चलते रहा और ये विरोध धीरे धीरे फैलते चला गया, स्टार्टेड टू स्प्रेड। ये क्या हुआ, ये फैलते चला गया। तो जब ये फैलते चला गया तो फैलने के बाद क्या हुआ, पटना का क्षेत्र वहावियों से भरा हुआ था। वहावियों से ये भरा हुआ था। और बाद में पटना के जो वहावी लोग थे, ये वहावी लोग ये क्या हुए, 1857 की क्रांति में भाग लेने लगे। 1857 की क्रांति में ये लोग क्या करने लगे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। ये वहावी लोग 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के क्या हो गए, ये विरुद्ध हो गए। जब ये अंग्रेज़ों के ये जब विरुद्ध हो गए तो उस स्थिति में यहाँ पर देखा, तो जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए तो यहाँ पर ये घटना घटी। कितना में घटना घटी भाई, 3 जुलाई 1857 को, 1857 3 जुलाई 1857 को यही पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के
नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। नेतृत्व में ये क्या कर दिया गया, ये विद्रोह कर दिया गया। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। तब ये क्या हुआ भाई, इसको दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया गया, अफीम एजेंट लायड को भेजा गया। लायड क्या हुआ, मारा गया। तो फिर पटना का जो कमान संभाला, जो इसका विद्रोह का, इसको दबाने के लिए, तभी पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने इस विद्रोह को क्या कर दिया, ये कुचल दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने इस विद्रोह को क्या कर दिया, ये कुचल दिया। तो जब ये कुचल दिया, तब ये क्या हुआ भाई, अब यहाँ से चला। और एक मौलवी थे, उस मौलवी का नाम था अहमदुल्ला। उसके साथ बुरा बर्ताव किया, अहमदुल्ला के साथ मौलवी अहमदुल्ला को बुलाकर बुरा बर्ताव किया। तो इस प्रकार से ये स्थिति बड़ी भयावह होते चली गई। और इसमें जो हम लोगों को देखना है, तो इसी में यही चीज़ हमको देखना है कि वीर कुंवर सिंह का कैसे रहा। तो ये जो वीर कुंवर सिंह थे बिहार में, ये वीर कुंवर सिंह यही कहाँ थे, यही जगदीशपुर के जमींदार थे। इनकी ज़मींदारी सूर्यास्त प्रणाली के तहत क्या कर लिया गया था, ये छीन लिया गया था। ये इनकी ज़मींदारी सूर्यास्त प्रणाली के तहत क्या कर लिया गया, ये छीन लिया गया। तो जब ये इसको सूर्यास्त प्रणाली के तहत इसको छीन लिया गया, तो ये बहुत बिगड़ गए और अंग्रेजों के से बदला लेने के लिए चाहने लगे। सूर्यास्त प्रणाली के बारे में मैंने पहले भी आपसे कह दिया है, ऑलरेडी आई हैव सेड यू व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सनसेट सिस्टम। इसका मतलब यही है कि एक निश्चित तिथि होती थी कि भाई उस तिथि को आपको क्या करना है, प्रत्येक जमींदार को लगान जमा करना है, और कब, सूर्यास्त से पहले। यदि आप सूर्यास्त से पहले जमा लगान नहीं करते हैं, तो आपकी जमींदारी क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो ये बात था, और इसी के तहत वीर कुंवर सिंह का क्या कर लिया गया था, ये छीन लिया गया था। तो वीर कुंवर सिंह इनके विरोधी हो गए। वीर कुंवर सिंह क्या हो गए भाई, ये वीर कुंवर सिंह अंग्रेजी सरकार के विरोधी थे।
ये वीर कुंवर सिंह अंग्रेजी सरकार के ये क्या थे, ये विरोधी थे, ये अंग्रेजी सरकार के ये क्या थे, ये विरोधी थे। तो जब ये अंग्रेजी सरकार के ये विरोधी थे तो इस हिसाब से इन्होंने कौन सा काम कर दिया भाई, जब ये विरोधी थे तब क्या हुआ, ये दानापुर कैंट के, यही दानापुर, दानापुर सैनिक छावनी, यही दानापुर सैनिक छावनी, दानापुर सैनिक छावनी के सिपाहियों ने, सिपाहियों ने क्या कर दिया, 25 जुलाई 1857 को बगावत कर दिया, ये बगावत कर दिया, कर दिया। और पुनः इसी दिन मुजफ्फरपुर के सैनिकों ने भी बगावत कर दिया, सैनिकों ने भी क्या कर दिया, ये बगावत कर दिया। और किसके नेतृत्व में ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, यही वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये लोग लड़ने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में, सिंह के नेतृत्व में ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए ये क्या हो गए, ये तैयार हो गए। ये वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में लड़ने के लिए लोग क्या हो गए, ये लोग तैयार हो गए। तो जब ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए तो उस आधार पर क्या कर दिया गया, शुरू हो गया, वीर कुंवर सिंह को ताकत मिला, वीर कुंवर सिंह लड़ने के लिए तैयारी कर लिया। और उन्होंने सबसे पहले अपनी जो लड़ाई शुरू की वो कहाँ शुरू कर दिया, आरा से शुरू कर दिया। ये लड़ाई कहाँ से शुरू कर दिया, ये लड़ाई जो शुरू कर दिया, लड़ाई प्रारंभ किया कहाँ से किया, ये आरा से प्रारंभ किया, यही आरा से प्रारंभ कर दिया। और इसी बीच 30 जुलाई को, यही 30 जुलाई, ये 30 जुलाई को क्या कर दिया गया, ये जो 30 जुलाई को जो हम लोग देखते हैं, ये पटना, यही है पटना, ये है चंपारण, ये है सारण, आदि जगहों पर ये क्या कर दिया गया, आदि जगहों पर ये मार्शल लॉ, सैनिक शासन क्या कर दिया, लागू कर दिया, ये सैनिक शासन ये क्या कर दिया, ये लागू कर दिया। इसके बाद जब वीर कुंवर सिंह ने लड़ाई प्रारंभ किया आरा से, तो आरा पर इनका क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो इनके विद्रोह, और इन्होंने क्या कर दिया, स्वयं को शासक घोषित कर दिया। सेना की नियुक्ति किया, बंदूक कारखाना स्थापित किया, अनुशासन बनाए रखा। किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की। इससे अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा, फील वेरी बैड। वीर कुंवर सिंह कांट बी द रूलर ऑफ आरा। और इतना ही नहीं, इसने जगदीशपुर के जो आपके राजमहल थे इनका, उनको सुसज्जित किया, वहाँ की सारी व्यवस्था कर दी, किला बंदी करवा दिया। ये रास नहीं आई किनको, अंग्रेजों को ये रास नहीं आई।
अंग्रेज़ों को ये क्या नहीं आई, ये रास नहीं आई। तो जब ये अंग्रेज़ों को ये रास नहीं आई, तब इनको दबाने के लिए क्या किया, भेजा गया डनवर को, भेजा गया डनवर। इनके खिलाफ क्या हुआ, इनके खिलाफ डनवर को भेजा गया। डनवर को ये क्या किया गया, ये भेजा गया। ये इनके खिलाफ डनवर को क्या किया गया, ये भेजा गया। लेकिन डनवर क्या हुआ, मारा गया। लेकिन डनवर क्या हुआ, डनवर युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध भूमि में ये क्या हुआ ये मारा गया। तब इसको दबाने के लिए किसको भेजा गया, तब वही दबाने के लिए इनको विंसेंट आयर को भेजा गया। तब इनके खिलाफ़ जो लड़ाई लड़ा, इनके खिलाफ़ 2-3 अगस्त 1857 को, 1857 को, 1857 को विंसेंट आयर को भेजा गया। विंसेंट आयर इनके खिलाफ 2-3 अगस्त 1857 को विंसेंट आयर को भेजा गया। वीर कुंवर सिंह क्या हुए, पराजित हुए। वीर कुंवर सिंह ये क्या हुए, ये पराजित हुए। और ये यहाँ से भाग निकले, ये आरा से ये भाग निकले, जगदीशपुर की ओर चले। ये आरा से ये किधर की ओर भाग गए, आरा से जगदीशपुर की ओर भाग निकले। ये भाग निकले आरा से जगदीशपुर की ओर। ये क्या हुए, ये भाग निकले। तो जब आरा से ये जगदीशपुर की ओर भाग निकले, तो इसका पीछा विंसेंट आयर ने किया। इनका पीछा यही विंसेंट आयर ने किया। विंसेंट आयर ने किया। तब तक ये जगदीशपुर से निकल गए, तब तक ये जो वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से भाग निकले। लेकिन इसी बीच क्या किया, यही विंसेंट आयर ने क्या किया, विंसेंट आयर ने इनके जगदीशपुर के राजमहल को जला दिया, लूटपाट मचा दिया। इस प्रकार से इसने ये सारा कार्य किया। इसी तो कम कर दो, ये लूटपाट इसने क्या कर दिया, ये मचा दिया। और ये जगदीश तब तक इसको, इसी बीच इनको समय मिल गया। किनको समय मिल गया भाई, यही वीर कुंवर सिंह को समय मिल गया। वीर कुंवर सिंह ने तुरंत अपना कमान संभाला और बिना देरी किए, विदाउट एनी लेट, तुरंत जा कर के इसने क्या किया, जगदीशपुर से किधर चला गया, सासाराम। यही ये जगदीशपुर से सासाराम चला गया। और फिर सासाराम से कहाँ चला भाई, सासाराम से ये रोहतास चला। ये क्या हुआ, ये सासाराम से ये रोहतास चला। और रोहतास से ये कहाँ किधर की ओर चल गया, रामगढ़। ये रोहतास से कहाँ चला गया ये रामगढ़ चला गया। रामगढ़ में क्या हुआ, रामगढ़ में इन्हें
300 सैनिकों ने साथ लिया, तीन रामगढ़ में इन्हें 300 विद्रोही सैनिकों ने साथ लिया, विद्रोही सैनिकों ने इन्हें साथ दिया। 300 विद्रोही सैनिकों ने इन्हें साथ दिया। फिर रामगढ़ से ये कहाँ चले गए भाई? जब ये फिर रामगढ़ से आगे बढ़े तब ये कहाँ चले गए? रामगढ़ से ये लखनऊ चले गए। ये रामगढ़ से ये कहाँ पहुँचे? ये लखनऊ पहुँच गए। जब ये लखनऊ पहुँच गए, रामगढ़ से ये लखनऊ पहुँच गए, तो जब लखनऊ पहुँचे तो वहाँ की जो शासिका थी बेगम हजरत महल, लखनऊ की शासिका, यही लखनऊ की शासिका बेगम हजरत महल ने इन्हें क्या किया? सम्मानित किया। बेगम हजरत महल ने इन्हें क्या किया सम्मानित किया। और हजारों रुपया प्रदान किया। और आजमगढ़ का फरमान इन्हें सौंप दिया आजमगढ़ का फरमान इन्हें सौंप दिया। आजमगढ़ का जब ये फरमान सौंप दिया तो यहाँ से ये क्या हुए? यहाँ से ये कानपुर चले गए। इसके बाद ये कहाँ चले गए? ये कानपुर चले गए। और कानपुर में किनसे इनकी मुलाकात हुई? कानपुर में नाना साहब से मुलाकात किया। और नाना साहब ने क्या किया? ये लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ़। इसमें जाकर के कौन लड़ाई जो हुआ तो ये 29 नवंबर 1857 को ये लड़ाई लड़ी गई। अंग्रेज़ पराजित हुए। और कानपुर पर नाना साहब का कब्जा हो गया। तात्या टोपे का भी इसमें अहम योगदान रहा। तात्या टोपे का भी इसमें क्या रहा? अहम योगदान रहा। इसके बाद वहाँ से ये क्या हुए? वहाँ से ये आजमगढ़ के लिए चल दिए। कानपुर पर विजय प्राप्त करने के बाद ये आजमगढ़ की ओर रवाना हुए।
कानपुर पर विजय प्राप्त करने के बाद ये कहाँ चले, ये आजमगढ़ की ओर रवाना हो गए। आजमगढ़ की ओर ये क्या हो गए, रवाना हो गए, ये रवाना हो गए, ये आजमगढ़ ये चले गए, ये आजमगढ़ पहुँचे। तो आजमगढ़ में क्या हुआ, लड़ाई लड़ी गई। तो आजमगढ़ की जो लड़ाई लड़ी गई ये है अतारोलिया का युद्ध। कितना में लड़ा गया, ये लड़ा गया 22 मार्च, ये लड़ा गया 22 मार्च, ये 22 मार्च 1857 को लड़ा गया। इसमें क्या हुआ, एक तरफ कौन थे भाई, एक तरफ थे कर्नल मीलमैन, ये अंग्रेज़ों के तरफ से थे। और दूसरी तरफ कौन थे भाई, ये वीर कुंवर सिंह थे। तो वीर कुंवर सिंह की क्या हो गई, इनकी हो गई जीत, और कर्नल मीलमैन क्या हो गया, मारा गया। और आजमगढ़ पर किनका कब्जा हो गया किनका, वीर कुंवर सिंह का कब्जा हो गया। ये वीर कुंवर सिंह का इसमें क्या हो गया, ये कब्जा हो गया। अब यहाँ से जब वीर कुंवर सिंह का कब्जा हो गया तो अंग्रेज़ बहुत चिंतित हो गई। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें घेरने के लिए दो तरह से उपाय लगाए। वीर कुंवर सिंह पर कार्रवाई के लिए दो तरफा प्लान बनाया, यानी दो तरफ से इसको क्या कर लिया, घेर लिया। तो इलाहाबाद की तरफ से किसको भेजा इन पर हमला करने के लिए इलाहाबाद से काके को भेजा। और दूसरी तरफ क्या किया, लखनऊ से लुगार्ड को भेजा। लेकिन इन्होंने फिर होशियारी से काम लिया, वीर कुंवर सिंह ने फिर होशियारी से काम लिया। और होशियारी से क्या काम लिया कि इसने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई
ये क्या किया, ये नीति अपनाई और अपनी सेना को उसने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, ये बांट दिया। तो आजमगढ़ में अली के द्वारा कुछ से सेना सैनिक मदद मिला था। आजमगढ़ में अली के द्वारा कुछ सैन्य मदद इन्हें मिला था। इन्हें क्या हुआ था, ये मिला था। तो अपनी सेना को उसने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया और एक सेना को क्या कर दिया, एक सैन्य टुकड़ी को इसने कौन सा काम कर दिया भाई, एक सैन्य टुकड़ी को आजमगढ़ की रक्षा के लगा दिया। आजमगढ़ के रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, रक्षा का भार ये सौंप दिया। और दूसरे सैन्य टुकड़ी को लेकर के ये जगदीशपुर की ओर निकल गए। दूसरे सैन्य टुकड़ी को लेकर जगदीशपुर की ओर ये निकल गया। ये जगदीशपुर की ओर क्या हो गया भाई, ये निकल गया। तो जगदीशपुर की जब ये और निकला तो इधर से तब तक किसने घेर लिया आजमगढ़ को, इधर से तब तक किसने घेर लिया आजमगढ़ को, यही आजमगढ़ को। काके ने काके काके एवं लुगाड़ की सेना ने घेर लिया, ये लुगाड़ की सेना ने घेर लिया। ये घेर लिया लुगाड़ की सेना ने इसे क्या कर लिया, ये घेर लिया। काफ़ी मशक्कत के बाद ये क्या हुआ, आजमगढ़ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद आजमगढ़ पर अंग्रेज़ों का क्या हो गया, ये कब्ज़ा हो गया। तो जब ये कब्ज़ा हो गया तब ये जब भाग रहे थे, ये जब चले जा रहे थे, तब ये जब जगदीशपुर की ओर चले जा रहे थे, जब वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर चले जा रहे थे तो डगलस ने इसका पीछा किया। डगलस ने इनका पीछा किया। जब वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर चले जा रहे थे तो डगलस ने इनका क्या किया, ये पीछा किया। डगलस ने इनका पीछा किया। वीर कुंवर सिंह कहाँ पहुँच गए, वीर कुंवर सिंह गाजीपुर पहुँचे
गाजीपुर, ये क्या हुए, ये गाजीपुर पहुँचे और यहाँ मन्नाहार नामक गांव के लोगों ने, मन्नाहार गांव के लोगों ने, मन्नाहार गांव के लोगों ने इनका विजेता के रूप में स्वागत किया। इनका विजेता के रूप में ये क्या किया, ये स्वागत किया। ये विजेता के रूप में क्या किया, ये स्वागत किया। ये विजेता के रूप में इनका क्या किया भाई, ये स्वागत किया और गंगा पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी। गंगा पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी। गंगा पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी। नाव की ये क्या कर दी, ये व्यवस्था कर दी। गंगा पार करने के लिए नाव की ये क्या कर दी, ये व्यवस्था कर दी। तो जब नाव की व्यवस्था कर दिया तो इसी बीच डगलस ने इन पर हमला कर दिया। डगलस ने इनका पीछा किया। इनके हाथ में क्या लगा, गोली लग गई। कहा जाता है इसने अपने हाथ को तलवार से काट करके गंगा में डाल दिया। खैर जो कुछ भी हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बातें कही जाती हैं। इनके हाथ में गोली लग गई। इसके बाद ये कब पहुँचे, तब 20 अप्रैल को ये अपना गांव जगदीशपुर पहुँच गए। ये 20 अप्रैल 1858 को ये कहाँ पहुँच गए, ये जगदीशपुर पहुँच गए। 23 अप्रैल 1858 को ये जगदीशपुर पहुँचे। वहाँ पर पहले से ही ये जो ली ग्रैंड थे इनको घेर लिया, तैयार था। वहाँ पहले से ही ली ग्रैंड ये क्या थे, तैयार थे। दोनों के बीच युद्ध हुआ। ली ग्रैंड की हार हुई। लेकिन अत्यधिक जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को इनकी मौत हो गई। अप्रैल 1858 को इनकी क्या हो गई, इनकी मौत हो गई। हालांकि विजयी यही हुए, लेकिन अपने विजय पताका को अपनी निगाह से ये देख न सके। लेकिन जब ये सदा सदा के लिए अपनी आँखें बंद किया हुआ था, उस समय जगदीशपुर में स्वतंत्रता संग्राम का जो लड़ाई लड़ी गई थी उनका विजय पताका कहाँ फैल रहा था, जगदीशपुर में फैल रहा था। लड़ाई को क्या किया, इनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया लड़ाई को अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। गुरिल्ला युद्ध जारी रहा। अंत में परिस्थिति को देखकर ये कौन सा काम हुआ भाई,
तो कहता है ये परिस्थिति को देखकर महारानी, इंग्लैंड की महारानी महारानी विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया ने आम घोषणा किया, आम माफी की घोषणा कर दी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 अक्टूबर 1858 को आम माफ़ी की घोषणा कर दी। आम माफ़ी की ये क्या कर दी, ये घोषणा कर दी। तब इन लोगों ने अपना हथियार डाल दिया। इस प्रकार से 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्रीयता की लहर इस बार क्या हो गया, फैल गया। अब हम लोग देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। तो ये परिणाम हमने पहले भी आपसे असफलता का कारण बता दिया है। असफलता का कारण सेम है, कहीं पर कोई दूसरा बात, दूसरी बात नहीं है। केवल आप एक बार रिकॉल कर लीजिए कि असफलता का कारण क्या है। तो असफलता का ये क्या है, ये कारण, तो ये नंबर वन योग्य नेतृत्व का अभाव। ये है योग्य नेतृत्व का ये क्या है, अभाव। सेकंड बात, पैसे का अभाव। थर्ड बात में हम लोग देखते हैं एक निर्धारित तिथि पर विद्रोह का शुरुआत न करना, बड़े बड़े जमींदारों और राजाओं का साथ न मिलना, बड़े बड़े जमींदारों एवं राजाओं का साथ न मिलना। आधुनिक हथियारों का अभाव। पढ़े लिखे लोगों का योगदान न रहना, यानी पढ़े लिखे लोगों ने इन सबों को क्या दिया, योगदान नहीं दिया। तो इस प्रकार से सीमित क्षेत्र में ये विद्रोह होना। तो इस प्रकार से इनका असफलता का ये सब क्या था, कारण था। और इसमें जो आप देखते हैं, बहुत सारे यहाँ के जो राजा रजवाड़ा थे, उन राजा रजवाड़ों ने भी क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, यानी अंग्रेजी सरकार को ही क्या दिया, ये साथ दिया। तो स्वाभाविक बात है कि यह क्या होगा, असफल हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, तो मैंने पहले भी ये परिणाम आपसे कह दिया है। तो परिणाम में वही बात, पुरानी बात है। इसका रिजल्ट में क्या हुआ भाई, ये रिजल्ट में तो फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत हुई। फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत हुई। पील आयोग के अनुसार, यानी इसका मतलब है कि भारतीयों की संख्या सेना में कम कर दी गई और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाने पर से भारतीय सेना को हटा दिया गया। जाति धर्म के आधार पर जाति धर्म
के आधार पर, जाति धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सेना का गठन किया गया, जाति धर्म के आधार पर सेना का गठन किया गया। गोरखा सैनिकों की संख्या, गोरखा सैनिकों को वीर सैनिक घोषित किया गया, वीर सैनिक घोषित किया गया। मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए उनके प्रति उदार नीति अपनाई गई। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं भाई कि 1857 का जो क्रांति था, इसका कारण क्या था, बिहार में वीर कुंवर सिंह का योगदान क्या रहा, इसका असफलता का क्या कारण था, इनका परिणाम क्या हुआ, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने क्या किया, प्रकाश डाला और समझ में यह बात आ गया कि भाई बिहार में भी 1857 की जो क्रांति हुई वो अपने आप में क्या था, बेमिसाल था, और जो दुनिया के लिए यानी भारत के लिए वह क्या बना, एक लोगों के लिए एक क्या बन गया, स्पेसिमेन कॉपी बना। धन्यवाद।